तरह से आप देखते हैं, आप तो खुद पत्रकार भी रहे हैं। ये देखिए, आज प्रेस दिवस है, हम आपको और आपके सारे सहयोगियों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। और प्रेस दिवस वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपका जन्मदिन इम्पोर्टेंट है। जितना महत्व आप व्यक्ति के जन्मदिन को देते हैं, उतना ही महत्व जो है संस्था के कार्यक्रम से भी है। और मैं हमारे साथी संजय अवस्थी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने जो प्रेस दिवस है उसका थोड़ा रंगत बदलने की कोशिश की और यहाँ पे उसमें समायोजन किया कल्चरल प्रोग्राम का आपके लिए। लेकिन आप मैंने आज देखा कि आप आज भी जो है उस कल्चर प्रोग्राम का ज़्यादा लुत्फ लेने की बजाय पत्रकार की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि आपको आज भी रिपोर्टिंग ही करनी है। तो ये दिन जो है आपको खुशियां लेके आए, बड़ी सजधज से इसको मनाया जाए और बड़े व्यापक पैमाने पे मनाएं, और जो भी आगे से किया जा सकता है वो हमारी सरकार और हमारे साथी जो इसको देख रहे हैं वो इसमें रंग भरेंगे आने वाले टाइम में। और प्रेस परिषद ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी टॉपिक दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स जो आए थे उन्होंने अपनी राय रखी है। बहुत व्यापक सब्जेक्ट है ये, और उसके नफ़े और नुकसान क्या हो सकते हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पर चर्चाएं हुई हैं और उस सब में आपने हिस्सा लिया और सार्थक चर्चा हुई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं देखिए, ये पर्यटन राज्य है और पर्यटन राज्य में हमारी सरकार प्रयासरत है लगातार कि टूरिज़्म को हम बूस्ट दें, और उसके लिए जो भी बड़े पैमाने पे कदम उठाने हैं, खासतौर पे जो कांगड़ा का की हवाई पट्टी है उसका निर्माण हो जाए, एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हवाई पट्टी हिमाचल प्रदेश में बन जाए, और उसके बाद जो है लोकल स्तर पे हेलीपैड्स का निर्माण हो जाए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारे जो हम देख रहे हैं दो तीन बड़े जो मेले हुए हैं कुल्लू दशहरा के बाद हिमाचल प्रदेश में रौनक फिर से लौटने लगी है। अभी लवी मेले में बहुत बड़ा कारोबार हुआ है, अभी नवरात्रों में मंदिरों को लेके बहुत बड़ा श्रद्धालु आए हैं, 13 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु इन यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हुए हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है, तो उससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। और जो इश्यूज थे ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों के कुछ, वो हमने सारे सेटल कर दिए हैं और अब सब लोग संतुष्ट हैं, चाहे वो ट्रक वालों के थे उनका था टैक्सीज को लेके कि उनका पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करना था ट्रक वालों का, वो हमने माफ़ कर दिया। गाड़ियों वाले कह रहे थे कि हम जो है टैक्स जो है जिस लेवल पे इन्होंने कहा, टेम्पू वालों ने जहाँ कहा, बसेस वालों ने जो कहा, सारी चीज़ें हमने सेटल कर दी हैं सबसे डायलॉग डिस्कशन के बाद। और हिमाचल चाहता है कि टूरिस्ट आए, बाहर का टूरिस्ट आए, और हिमाचल प्रदेश के जो लैंड लॉक्ड वैलीज़ हैं या पर्यटन के स्थल हैं उनको देखें, और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को जो त्रासदी की वजह से नुकसान हुआ था उससे निकल के हम हिमाचल प्रदेश को फिर से पर्यटन राज्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।